हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से इस हैवी पोशाक का बेस बनाना। ये हमने 10-11 नंबर कान्हा जी के लिए हैवी बेस बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। जन्माष्टमी के लिए, कान्हा जी की छठी के लिए आप ये पोशाक बनाकर रख सकते हैं किसी भी कलर में। मैंने यहाँ पर येलो कलर की बनाई है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको फिनिशिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप ये बेस बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने बहुत ही कम खर्च करके ये कुछ यहाँ पर लेस लगा दी है, बूटियाँ लगा दी हैं बीच में, और इसी से हमारी हैवी ड्रेस लग रही है, काफ़ी प्यारी, काफ़ी सुंदर। तो आप इजली अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और पहनाइए, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग को चिपका लिया है फैब्रिक पर येलो कलर की, क्योंकि मैं येलो कलर की ड्रेस बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको पेस्टिंग लेनी है और इसको चिपका लेना है। पहले ये देखिए आपको कितने का लेना है, 14x14 का यहाँ पर ये डायमीटर लेना है आपको, यानी कि 14 इंच लंबाई, 14 इंच चौड़ाई। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमें इसे सिंपली फोल्ड करना है। ये देखिए, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छे से हमें इसे इकसार एकदम सेट करके फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से इसमें मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये 7 इंच पर निशान लगाया। इसी तरीके से हम गोलाई में घुमाते हुए, ये देखिए, यानी कि 7 इंच, 14 इंच का आधा 7 होता है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। गाइस, सभी साइज में मैंने कान्हा जी की हैवी ड्रेस की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में। तो ये देखिए गाइस, हमने इस तरीके से गोलाई दे दी। अब हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। तो ये देखिए, 1 इंच के बाद में जो ये हमारा 1.5 इंच से जो ऊपर वाला पॉइंट आता है, यानी कि 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, इस तरीके से हमें इसकी कमर में निशान लगाना है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर अच्छे से दिख रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, मैं सभी के सभी डाउट्स क्लियर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बोल दिया सिर्फ। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में यहाँ से कट करेंगे। ऐसे ही हमें कमर कट करनी है, कहीं भी कैंची को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल निशान पर ही इस तरीके से कट करेंगे। फिनिशिंग के साथ में आपकी कमर और आपका घेर आएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एकदम अच्छे से हमारा बेस आया है। अब ये देखिए, मैं इसको आपको नापकर भी दिखा देती हूँ। 14x14 का ही जिधर से आप नापोगे आएगा। तो उसके बाद में आपको ले लेना है एक फैब्रिक। ये देखिए, 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़कर हम इस तरीके से गोलाई में कट करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये 1/2 इंच फैब्रिक हमें फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए। आप हैवी से हैवी इस तरीके से बेस बनाकर कान्हा जी के लिए प्यारी सी, सुंदर सी हैवी पोशाक घर पर ही खुद से ही बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो ये देखिए गाइस, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आलपिन से इसको अटैच कर दिया, क्योंकि बड़ी पोशाक है, बड़े कान्हा जी की है थोड़ा सा, और चिकना हमारा फैब्रिक है नीचे का अस्तर वाला। तो इस तरीके से आलपिन से सिक्योर कर देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ हम इस तरीके से आलपिन लगा देंगे, जिससे कि ये एकदम अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर आलपिन से इसको सिक्योर कर दिया। करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली लेना है यहाँ पर इस तरीके से अपना, ये देखिए, ये 6 इंच आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है नेट, यानी कि हम नेट के ही तो घूम भरेंगे। उसके लिए हमने नेट का यहाँ पर फैब्रिक कट किया है। तो ये देखिए, इसकी जो मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है, वो ली है 7.5 इंच के लगभग। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, 7.5 इंच के लगभग मैंने इसकी चौड़ाई ली है। लंबी लंबी मैंने 2-3 पट्टियाँ यहाँ पर कट कर ली हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम बाद में कट कर देंगे। तो सिंपली आपको इस तरीके से अपना फैब्रिक कट कर लेना है, बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए, हम बेस बनाएंगे, तो ये जो हमारा 1/2 इंच का फैब्रिक है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमें 1/2 इंच फैब्रिक को अपने फोल्ड करते हुए यहाँ पर बेस को गोलाई में एकदम इक्वल अच्छे से सेट करके लेके आना है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस, मैंने स्पेशली हैवी ड्रेस में नेफा कैसे लगाएं इसकी वीडियो या जन्माष्टमी की ड्रेसेस की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको नेफा लगाना बताया है। और बहुत ही हैवी पोशाक मैंने आपको कम प्राइस में, लो प्राइस में एकदम बनाना सिखाया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर सारी जितनी भी आलपिन्स हैं उनको हटा दूँगी। ये देखिए, यहाँ से हटा देते हैं सबको और एक साइड कर देते हैं। ये देखिए, अब करने के बाद में जो ये हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, उसे कर देना है हमें फिनिशिंग। कोई भी आप पोशाक बना रहे हो, फिनिशिंग से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से ही बनेगी, और ऐसे ही बना दोगे तो अच्छे से नहीं बनने वाली है।
तो ये देखिए फिनिशिंग करनी बहुत ज़रूरी है एस्ट्रा फैब्रिक की। फिनिशिंग करने के बाद में इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में इस तरीके से चौक से निशान लगाएंगे। निशान को आप एक बार बराबर करके देख लें, अगर फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो इस तरीके से फोल्ड करें, फिर से निशान लगा कर इसको बीच सेंटर से कट कर दें। कट करने के बाद में ये देखिए जो ये हमारा बीच आया है, यानी कि हमारी जो पोशाक का नेफे का जो घेर है उसको हम इस तरीके से यहाँ से फिनिश कर देंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा डायमीटर आएगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसमें नेट की घूम भरने स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया, इस तरीके से आपको एक बार फोल्ड किया, फिर इस तरीके से आपको घूम भरने हैं। ये देखिए बहुत ही ईजली आप इसके लिए साइनिंग वाली कोई भी नेट ले सकते हैं, वैसे बेस्ट है अरमान नेट या फिर साइनिंग की कोई भी नेट, आराम से इसमें घूम आप ईजली भर सकते हैं, या फिर टिशू नेट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको टक करने के बाद में एक घूम हमने टक किया। अब हमें सिंपली पूरी अपनी फ्रिल के गोलाई में इसी तरीके से घूमों को इक्वल अच्छे से सेट करके एकदम बढ़िया से, ये देखिए ना ही तो हमें बहुत बड़े बड़े घूम लेने हैं ना ही बहुत छोटे छोटे, इक्वल अच्छे से सेट करके सारे घूमों को पूरे सर्किल में स्टिच कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे सारे घूम फिनिशिंग के साथ में आएंगे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम सारे घूमों को इक्वली बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में एकदम सेट करते हुए यहाँ पर घेर में अपने स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं ना ही तो हमें बहुत चौड़े चौड़े और ना ही बहुत छोटे छोटे घूम लेने हैं, मीडियम साइज की अपनी सारी प्लेटें लेंगे और पूरे सर्किल में इक्वली सारी सेट करके भर लेंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए मेरी यहाँ पर एक पट्टी पूरी स्टिच हो गई है जो हमने यहाँ पर घूम डाल लिए हैं, काफ़ी बड़ी पट्टी थी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी। अब ये मैंने यहाँ पर दूसरी पट्टी अपनी सेम इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पर घूम भर कर पूरा अपना घेर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से अपना ये घेर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी सारी प्लेटें आई हैं, एस्ट्रा का फैब्रिक कट कर देंगे। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से सारी इक्वल प्लेटें हमारी बहुत ही अच्छे से आई हैं। अब हम यहाँ अपने ये देखिए सेंटर में और यहाँ पर अपने सर्किल में यानी कि कमर पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप पहले भी लगा सकते हैं जब आप डायमीटर की कटिंग करते हैं बीच से, मैं ये देखिए यहाँ पर इसको बाद को लगा रही हूँ, तो आप बाद में भी लगा सकते हैं पहले भी। तो सिंपली हम इस तरीके से लगा देंगे सिलाई, ये देखिए, ताकि हमारा बीच का और नेट का फैब्रिक सारा अच्छे से सेट होकर आएगा और हमारा नीचे से अस्तर भी अच्छे से इक्वल सेट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमें कमर पर घूम भरने हैं, तो इस तरीके से हम अपने घूमों को इक्वल ये देखिए एक एक करके इस तरीके से लेते जाएंगे, पास पास रखते जाएंगे और ये बहुत ही इजी तरीके से आपके सारे घूम आएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर घूमों को लेते जाना है इक्वली अच्छे से सेट करते हुए और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाएगा, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो है ना गाइस बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है। तो बहुत ही आराम से अपने बाल गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए बहुत ही सुंदर सुंदर हैवी ड्रेसेस। रक्षाबंधन फेस्टिवल सीज़न काफ़ी आने ही वाला है, जैसे कि रक्षाबंधन है, तीज है, या फिर आगे गाइस जन्माष्टमी है, छठी है, दिवाली है, किसी भी फेस्टिवल के लिए आप ये कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से घूमों को इक्वल लेते जाएंगे। अगर गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्रा क्राफ्ट एंड क्रिएशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो ये देखिए पूरे घेर में हमें इसी तरीके से इक्वल अपने घूमों को हाथ से सेट करते हुए लेके आना है। तो चलिए गाइस इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से मैं अपने सारे घूमों को यहाँ पर इक्वल ले आई हूँ। ये देखिए हमारा बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक बचा है, तो सिंपली मैं इसको भी यहाँ पर इस तरीके से हमें लास्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से इनको हम फिनिशिंग के साथ में सारे घूमों को अपने लेके आएंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हमें सारे घूम अपने स्टिच कर देने हैं। स्टिच करने के बाद में हम एक यहाँ पर सिंपल सिलाई इस तरीके से लगाएंगे बिल्कुल सीधी, जिससे कि हमारा सेंटर यहाँ पर लॉक हो जाए, अच्छे से स्टिच हो जाए।
अब ये देखिए गाइस, पीछे की साइड से हमें इस तरीके से एक सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी ड्रेस यहाँ पर अच्छे से और पक्की हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि बाज़ार की सिलाई तो गाइस बहुत ही कच्ची आती है, खुद से बना रहे हैं तो एक सिलाई और लगा देते हैं। और ये देखिए, हम सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे। अब करेंगे इसकी फिनिशिंग, तो बीच का जितना भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो जितना भी हमारी यहाँ पर कमर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस तरीके से उसको हम, ये देखिए, काफ़ी बड़ी पोशाक है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, छोटी है तो भी दिक्कत नहीं होगी, ये देखिए इस तरीके से फिनिश कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सारा फैब्रिक हमें यहाँ पर इसका नेट का फिनिश कर देना है, एक्स्ट्रा का कुछ इस तरीके से फिनिशिंग कर देंगे अपने यहाँ पर नेफा बनाने से पहले। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा का पीछे से फैब्रिक है उसको भी फिनिश कर देंगे। गाइस, नेफा लगाने की बहुत ही अच्छे से वीडियो मैंने डिटेल में अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हैवी पोशाक में मैंने आपको नेफा बनाना बताया हुआ है, तो आसानी से देखकर आप नेफा बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से कर दी है मैंने पोशाक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से। तो फिनिशिंग करने के बाद में हम इसमें नेफा लगाने से पहले प्रेस लगा देते हैं। प्रेस लगाने के बाद में हम इस तरीके से लेंगे टिश्यू रिबन, इसको हम इस तरीके से हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग की तरह अपनी दोनों साइड टिश्यू रिबन लगा लेंगे। तो हमें हाफ इंच इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर टिश्यू रिबन को स्टिच करना है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से पाइपिंग की तरह हम बहुत ही इजीली यहाँ पर इक्वल इस तरीके से टिश्यू रिबन लगा देंगे, इसको लॉक कर देंगे साइड को। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी गोल्डन कलर का फैब्रिक ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का टिश्यू रिबन मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से टिश्यू रिबन स्टिच करेंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़कर टिश्यू रिबन को अंदर फोल्ड करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम टिश्यू रिबन लगा लेंगे। लगाने के बाद में यहाँ से धागे कट कर देंगे, फिनिशिंग कर देंगे। अब हमें इसमें नेफा लगाना है, तो नेफे के लिए हमें उरेब की पट्टी कट करनी है। तो उरेब की पट्टी के लिए इस तरीके से सिंपली अपना फैब्रिक लेंगे नेट का, और यहाँ पर हम 2.5 इंच के चौड़ी कम से कम पट्टी रखेंगे, और लंबाई मैंने काफ़ी सारी ली है। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे, इकसार करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से रखकर हमें हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करके टिश्यू रिबन को, अपनी उरेब की पट्टी को पूरा स्टिच करना है। अब ये देखिए गाइस, मेरे से यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी नेफा बनाने की, तो आप इजीली मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे गाइस, सिंपली आपको पट्टी को स्टिच करके उसको फोल्ड करना है और डोरी डालनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले ली है ये अपनी चोली। चोली की पट्टी की लंबाई चौड़ाई मैंने यहाँ पर 20 इंच इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 5 इंच के लगभग। इसको हमें 4 फोल्ड करना है और एक सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। गाइस, फुल डिटेल में आप नेफा कैसे लगाएं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो मुझसे मिस हो गई थी तो इसलिए सॉरी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको नेफा लगाना बताया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम टिश्यू रिबन लेंगे, अपनी चोली की पट्टी को यहाँ पर साइड को इसकी इस तरीके से लॉक करेंगे, और लॉक करने से पहले चाहे तो आप एक बार प्रेस लगा दें, उससे आपकी पट्टी में अच्छी फिनिशिंग आएगी और अच्छे से आपकी चोली बनेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर टिश्यू रिबन से पूरी अपनी पट्टी को यहाँ पर कवर कर देंगे इसकी साइड को, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी लेस लेनी है अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर सिंपल भी इसको स्टिच कर सकते हैं अपनी चोली को। तो मैंने यहाँ पर एक पतली सी लेस ली है, उसको मैं इस तरीके से रख कर यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारी ये लेस स्टिच हो जाएगी, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टिच कर दी। स्टिच करने के बाद में इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हमें इसे 2 इंच तक या 2.5 इंच तक सिलाई लगानी है लास्ट, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। इस तरीके से रखकर 2.5 इंच तक आप सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद में इसको हम यहाँ से धागे कट कर देंगे। धागे कट करने के बाद में सिंपली इसको हम खोलेंगे और खोल कर यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच छोड़कर नीचे से अपनी डोरी स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1 इंच के लगभग हमने छोड़ी नीचे से जगह, और यहाँ पर हमें बांधने के लिए अपनी डोरी स्टिच करनी है। तो बहुत ही ईजिली हमारी पोशाक का घेर और हमारी चोली बन गई है। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आसान तरीके से अपने कान्हा जी के लिए पोशाक का बेस बनाइए और हैवी से हैवी पोशाक सजाइए, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये बताया है। तो आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।